नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लैब अटेंडेंट परीक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हाल ही में परीक्षा होगी इसकी, 30 सितंबर से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं और आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षा के लिए एडवांस कोचिंग अकेडमी के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और इनको परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें। तो हमारा पहला प्रश्न अब स्टार्ट होता है, भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ बना है? अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। असम के अंदर पाकयोंग जगह पर है और इसका नाम भी क्या रखा गया है? पाकयोंग हवाई अड्डा। भारतीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और नरेंद्र मोदी ने इनका इस हवाई अड्डे का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो भारत को 100वां हवाई अड्डा मिला अभी फिलहाल। नंबर दो का प्रश्न हमारा, हरियाणा में जीवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी बीमा योजना शुरू की है? सर, रविवार को ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। यह 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज के लिए योजना बनाई गई है। इसकी हेल्पलाइन नंबर है 14555। किसी को भी अगर इसमें कोई समस्या है तो इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या अपना नाम इसमें चेक करना हो तो 1455 पर आप कॉल कर सकते हो। यह टोल फ्री नंबर है। अगला प्रश्न है, हुड्डा का नया नाम क्या बदल दिया गया है? जो हमारा पहला था अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी हरियाणा की, यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसका नाम अब बदल दिया गया है और उसका नाम नया नाम क्या कर दिया गया है? हरियाणा शहरी विकास परिषद कर दिया गया है। हरियाणा शहरी विकास परिषद कर दिया गया है। और अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट होता है, हरियाणा में मंडल कितने हैं? दोस्तों, पहले हमारे हरियाणा में 4 मंडल थे, अब 2 नए मंडल ऐड कर दिए गए हैं। पहले की बात की जाए तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? पहले सबसे बड़ा मंडल था हमारा गुड़गांव, जिसका अब नया नाम क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। और अब सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक। 2 नए जो ऐड करे हैं हमारे, जो 2 नए मंडल ऐड करे हैं उनमें से एक तो कौन सा है? करनाल, और दूसरा क्या है? फरीदाबाद। एक तो क्या है? करनाल, और दूसरा क्या है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा मंडल हमारा कौन सा? इसमें रोहतक है। जो पहले हमारे पास थे 4 मंडल थे उनमें हिसार, रोहतक, अंबाला और गुड़गांव। अभी 2 नए ऐड किए हमारे पास, एक तो करनाल ऐड किया है और दूसरा फरीदाबाद ऐड कर दिया गया इसमें। अब वर्तमान में सबसे बड़ा मंडल हो गया रोहतक और पहले कौन सा था? गुड़गांव। इसकी ट्रिक है याद करने की, जितने मंडल है हमारे हरियाणा में उनके याद करने ट्रिक है, हीरो आकर फ्री गया, हीरो आकर फ्री गया। ही से हिसार, रो से रोहतक, आ से अंबाला, कर से करनाल, फ्री से फरीदाबाद और गया से गुड़गांव, यानी गुरुग्राम। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मंडल कौन सा हमारा? रोहतक है। कौन सा है? रोहतक। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? हरियाणा में वर्तमान में 5 पुलिस रेंज हमारे पास, कितनी है? 5। ट्रिक कैसे याद करने के लिए पुलिस रेंज याद करने, ठीक है, हमारे पास आकर रोही, पुलिस रेंज आकर रोही, यानी आ से अंबाला, कैसे करनाल, रह से रेवाड़ी, रो से रोहतक, ही से हिसार। अंबाला, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार, ये हमारी 5 पुलिस रेंजें हैं वर्तमान में। जो रेवाड़ी है हमारी, रेवाड़ी जो पुलिस रेंज है उसको दक्षिणी पुलिस रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी पुलिस रेंज। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? अभी वर्तमान में हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। कितनी है? 3। तो हमारा अगला प्रश्न आता है 7वां, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कौन सा है? तितली पार्क अभी वर्तमान में है हमारे पास बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसको अभी जो फ्यूचर में जो क्वेश्चन बनने वाला है, इसी के ऊपर बनने वाला है कि भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हमारे गुड़गांव में, गुरुग्राम में, गुड़गांव में।
ठीक है, गुड़गांव में इसको खोला जाएगा। और 30,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ बेंगलोर में इसकी अभी हैं। और करंट में अभी आगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा गुड़गांव हमारे हरियाणा में। और हरियाणा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी लेफ्टिनेंट का एग्जाम आएगा उसमें इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है कि हरियाणा का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ खोला गया है या खोला जाएगा, ये जाएगा गुड़गांव में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भी 32वां सूरज कुंड मेला कब और कहाँ लगा है। 32वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगा है, कहाँ पर लगा भी, फरीदाबाद में। कहाँ लगा ये, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में हर साल ये फरीदाबाद में लगता है और उसका टाइम होता है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। लेकिन इस बार इसको 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगाया गया। पहले की बात करें तो पहले ये 1 से लेकर 15 तारीख तक लगता था, यानी 1 से 15 फरवरी तक इसको आयोजित किया जाता था। लेकिन अब की बार इसको किया गया 2 से 18 फरवरी तक, कहाँ पर, फरीदाबाद में। और बात की जाए इस जो 32वां सूरज कुंड मेला था उसका मुख्य अतिथि कौन था, मुख्य अतिथि की बात करें तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, आदित्य योगी नाथ। इसको मुख्यमंत्री, यानी इस मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया। किसको भी, योगी नाथ को। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं को ही फरीदाबाद में जो सूरज कुंड मेला था उसके मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। और जो उत्तर प्रदेश था ये क्या था, इसका पार्टनर था। भारत में कौन सा राज्य है जो सूरज कुंड मेले का पार्टनर था, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ओके, अब अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हमारा आज के सेशन का, कि 32वां सूरज कुंड मेले का पार्टनर कौन सा देश था। अभी हाल ही में हमारे फरीदाबाद में जो मेला लगा था, सूरज कुंड मेला लगा था, उसमें कौन सा देश था जो भारत का पार्टनर था इस मेले में, वो था किर्गिस्तान। कौन सा था, किर्गिस्तान। और राज्य भारत में कौन सा था, उत्तर प्रदेश। तो ये दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये आप लैब सहायक का परीक्षा, लैब सहायक की जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। धन्यवाद।